नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई चैनल, मैं हूं गोपाल झा। सियासत में रिश्तों के अस्थायित्व पर खूब सारे सवाल उठते रहते हैं। रिश्ते जो हैं वो अस्थायी होते हैं, कभी बनते हैं कभी बिगड़ते हैं। अगर पंचायती राज में जनप्रतिनिधियों के रिश्तों की बात करें तो जब से सरकार ने ई पंचायत का कॉन्सेप्ट तैयार किया है, विशेष रूप से जहां तक ग्राम सेवक हैं वो भी विरोध धरना प्रदर्शन करने लगे हैं, वहीं पर जो जनप्रतिनिधि हैं और विशेष रूप से जो सरपंच हैं उन्होंने उनके जो तेवर हैं काफी तीखे हो चुके हैं। सभी राजनीतिक दलों के सरपंचों ने एकजुट होकर एक मंच पर आकर कलेक्ट्रेट के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और जमकर नारे लगाते उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ई पंचायत के कॉन्सेप्ट पर पुनर्विचार नहीं किया तो 1 अप्रैल को जितने भी अटल सेवा केंद्र है उन पर तालेबंदी कर दी जाएगी। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है ई पंचायत का कॉन्सेप्ट जिसको लेकर जिले भर के जो सरपंच हैं, ग्राम सेवक हैं, आंदोलित हैं। आज खास पेशकश में हम बात करेंगे पंचायती राज के जो सियासी रिश्ते हैं वो किस तरह बदल रहे हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर पर अलग अलग राजनीति करते हैं, भाजपा का झंडा लेकर घूमते हैं, कांग्रेस का झंडा लेकर घूमते हैं, लेकिन जब सरपंच बन जाते हैं तो एक मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, वो एक मंच पर आ जाते हैं। आखिर क्या वजह है, इन मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए है सरपंच इंद्रजीत शर्मा। सरपंच भाजपा से, चूंकि इंद्रजीत जी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, अशोक जोया। पंचायत समिति के डायरेक्टर वारिस अली, सुनीता और पंचायत समिति के प्रधान जयदेव भिडासरा, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और इंद्रजीत जी से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि इंद्रजीत जी, जैसे मैंने कहा कि जो ई पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? इसका विरोध इसलिए हो रहा है सर कि हम जब काम करते हैं नीचे सतह पर तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, हमें आज लेबर को पैसा देना पड़ता है। तो अब आज उनके खाते भी नहीं है, यदि उनके खाते हैं तो आज उनको 500 रुपए देता है तो 500 रुपए में FDO करके उनके खाते में डाला जाता है, तो वो तो उसको शाम को चाहिए पैसे, शाम को पैसे चाहिए उसको तो, और FDO का पैसा 2 दिन में 5 दिन में आएगा तो वो अगले दिन हमारे काम पर नहीं आएगा। मुख्य समस्या ये है, ये समस्या है। आज हमें मिट्टी का भुगतान करना पड़ता है, पानी का भुगतान करना पड़ता है, लेबर का, हमें मटेरियल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 3-4 चीजों को इनसे अलग रखना चाहिए। चलो अशोक जोया जी, जैसे सरपंच साहब ये इंद्रजीत जी बता रहे हैं, आपके हिसाब से क्या समस्या है ई पंचायत, ये जो ई टेंडर की भी बात हुई है, ई पंचायत की अगर हम बात करें तमाम रूप से जो टेंडर प्रक्रिया है, मैं पिछली बारी भी सरपंच था, हम जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम से टेंडर प्रक्रिया लागू हुई थी और हमने जब से सरकार का विरोध किया था सभी पूरे राजस्थान के सरपंच वहां इकट्ठे होकर जयपुर में प्रदर्शन किया था, लेकिन उस टाइम भी सुनवाई नहीं हुई। और आज ई पंचायत और ई टेंडर जो कि कंप्यूटर पे आधारित है, क्योंकि इसका ज्ञान किसी सरपंच को कुछ इतने कम ही होंगे जिसको पूरा ज्ञान हो, नहीं तो अन्यथा 90% सरपंचों को इसका ज्ञान नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि सरकार को पहले उनके बारे में अनुभव होना चाहिए कि ई टेंडर क्या है और इसमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं, और ये जो प्रक्रिया है इसको सही भी मानते हैं कि जो कार्य है जो सुचारू रूप से चले और पारदर्शिता जिसमें आए, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि ग्राम पंचायतों में काम अपने सही ढंग से करवाने के लिए सरपंच ही जिम्मेवार होता है, क्योंकि वहां कोई भी ग्राम सेवक आए चाहे BDO प्रधान जो भी है, क्योंकि वहां के लोग सरपंच को भी पकड़ते हैं और सारे हिंदुस्तान में सरपंच ही एक हिंदुस्तान की एक रीढ़ की हड्डी मानते हैं हम, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण कार्य है, सारे काम यहाँ से होते हैं। और जैसे कि विधानसभा में अपने विधायकगण प्रस्ताव पारित करते हैं, लोकसभा में MP पारित करते हैं, सभी अपने अपने सदन में, लेकिन सरपंचों को भी एक एक ऐसा सदन हो जिसमें मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत हो और सभी सरपंच चाहे किसी पार्टी का हो, कम से कम जो भी प्रक्रिया अपने लागू करे, कोई भी स्कीम लागू करे, कम से कम उससे ताल्लुकात होना चाहिए कि परसेंटेज अपनी क्या आ रही है, किस हिसाब से अपने को इसको सुचारू रूप से लागू करें। चलिए पहले तो ये तय कर लीजिए, जैसे अभी ये बता रहे हैं कि जो ई पंचायत का कॉन्सेप्ट है या ई टेंडर प्रक्रिया की बात है जो कांग्रेस सरकार में ही लागू हुई थी ये प्रक्रिया, और आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो उस समय आप लोग कहाँ थे?
हमने पिछली बार पिछले इन दिनों भी बहुत बड़ा विरोध किया था राजस्थान लेवल पर, करीबन 8,500 सरपंच इकट्ठे हुए थे एक जगह, और उस टाइम हमारा समझौता भी हुआ था इस मैटर पर। हम शायद मोदी जी का प्रोग्राम था, हमने 12 को वहां धरना दिया और 14 को मोदी जी का प्रोग्राम था, हमारा प्रोग्राम था कि हम इनका विरोध करेंगे मोदी जी का। तो उसी टाइम सरकार ने समझौता वार्ता में हमारी मांगे लगभग मांगे, कौन सी सरकार थी, कांग्रेस बीजेपी की सरकार, लेकिन ये मैं तो बीजेपी की सरकार में सरपंच हूँ उस टाइम से, पहले आप लोगों ने चुना, आप सरपंच नहीं थे। तो हमारा समझौता भी हुआ था कि कुछ सेंटर पर था बंद करेंगे, ये कोई पंचायतों में कुछ भी नहीं, अब तो 2.5 साल से सरपंच है, लेकिन आज अचानक इतना क्यों? आप मानोगे नहीं, एक नरेगा श्रमिक को 180 रुपए मिलता है और 180 रुपया का उसका कितना हो गया, 3-1 महीने का जी, और सरपंच को मिलता है सिर्फ 3500। नहीं, उस पे भी हमारी, हम फिलहाल जो हमारा सवाल ये है कि जो ई टेंडर प्रक्रिया का जो विरोध हो रहा है वो ये बता रहे हैं अशोक जी कि कांग्रेस सरकार के समय यह तय हुआ था, आप उस सब में सरपंच नहीं थे, लेकिन सरपंच बने आपको भी 2.5 साल तकरीबन हो गए, 2.5 साल पहले आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? किया था हमने, बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जयपुर में, क्या बड़ा प्रदर्शन, उसमें समझौता हुआ, फिर 2-3 बार फिर मंत्रियों से बातचीत भी हुई, उसमें कुछ 5 लाख का तक हमारे को दिया भी था, फिर इन्होंने कह दिया हम पंचायती राज में तो नहीं करेंगे, नरेगा में करेंगे, और आज पंचायती राज में तो नहीं करोगे नरेगा में करोगे, आज एक आइटम हम 30 रुपए ले रहे हैं मार्केट से और नरेगा का टेंडर है उसका 25 का, तो सरपंच फंसेगा कि नहीं फंसेगा उसमें, ये डर लग रहा है। हाँ, डर लग रहा है। और एक आप पंचायत समिति की BSR रेट लीजिए और एक आप PWD की BSR रेट लीजिए, रात दिन का फर्क है। कई तरह के तकनीकी खामियों की आशंका जताई जा रही है। वारिस जी, ई पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके हिसाब से क्या है? देखिए, जैसे आपने पहले भी इंद्रजीत जी बता रहे थे, आपने बताया भी कांग्रेस के टाइम में भी ई पंचायत का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, तो मैं कुछ हद तक इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि पारदर्शिता होना भी जरूरी है। लेकिन जैसे सरपंच साहब इंद्रजीत जी बता रहे थे कि कुछ चीजों को मूलभूत जो आवश्यकताएं जो जरूरतें होती है, जैसे नरेगा का पेमेंट या लेबर का या कुछ ऐसा मिट्टी का, तो कुछ चीजों को इसको इससे बाहर रखना चाहिए। और वैसे ई पंचायत या ई टेंडरिंग का मैं समर्थन करता हूँ, इससे पारदर्शिता आएगी और जो कमीशन खोरी का भी हद तक कम होगी, लेकिन कुछ जरूर बहुत ज्यादा जरूरी चीजें उसको बाहर रखना चाहिए इसमें। गोपाल जी, पहले सरकार को इन पर लागू करने से पहले सरपंच लेवल पर इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, JN लेवल पर ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, AN लेवल पर ट्रेनिंग देनी चाहिए, कुछ भी नहीं किया, और सीधा ही 1 अप्रैल से आपके खाते सीज हो जाएंगे, आप FDO करके पैसे डालिए। 1 अप्रैल से लागू करने की बात कर रही है सरकार की मंशा है ये, तो BSR रेट की बात है, तो ना इनको पहले सरपंचों को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि भाई आप जो हमें ई टेंडरिंग करेंगे या ई पंचायत करेंगे उसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया होगी, क्या होगा, कैसा पैसे डाला जाएगा। अब कोई तो अपने सिस्टम से रह रहा है, कोई तो कह रहा है सीधा उसके खाते में जाएगा, कोई कहता है पहले प्रधान के खाते में जाएगा फिर उसके खाते में जाएगा, तो पैसा तो पंचायत का है, वो ग्राम पंचायत का पैसा है, तो उसको पैसा उसको लगाने का अधिकार तो है। चलिए, पंचायत समिति डायरेक्टर है सुनीता, आप बताइए कि जिस तरह से सरपंचों ने कल प्रदर्शन किया है ई पंचायत को लेकर, आपके हिसाब से ई पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है या गलत है? ई पंचायत का जैसे पारदर्शिता की बात आती है, इसका समर्थन करती हूँ, लेकिन रणजीत जी जैसे बता रहे हैं कि दिल्ली में मजदूरों को पे करनी पड़ती है, तो उसका क्या है कि ये मूलभूत आवश्यकताएं तो ई जो पंचायत है उससे नहीं हो पाएंगी, और फिर जो पंचायत के सरपंच है वो इतनी तकनीकी जानकारी भी नहीं है उनको, तो इसका बेसिकली 6 महीने पहले या 1 साल पहले इनको ट्रेनिंग दी जाए, तो इस पे सरकार अगर दोबारा कुछ सोचे तो वो बेटर होगा। चलिए, हमारे साथ चूंकि पंचायती राज के जो पंचायत समिति लेवल के जो मुखिया है वो भी हमारे प्रधान जी बैठे हैं यहाँ पर, जयदेव बिडासरा साहब, आपने अपने प्रतिनिधियों को सुन लिया किस तरह विरोध कर रहे हैं, किस तरह समर्थन कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से ई पंचायत कितना कारगर है? सबसे पहले तो मैं स्काई चैनल के सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं, नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं, इनके नया साल मंगलमय हो और मां शक्ति प्रदान करे सभी को। जहां तक ई टेंडरिंग की बात है, कुछ आशंकाएं हैं हमारे बीच, अभी तक पूरा कंसेप्ट हमारी पंचायत समिति में आया भी नहीं है। मैंने आज काफी चर्चाएं की थी इस विषय में कल से ही, तो उसमें सभी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है किसी का भी क्या करना चाहिए। दूसरा, मेरे ख्याल में ई टेंडरिंग तो पहले थी, लेकिन अब के बारे में ऐसा कर दिया गया कि जैसे कोटा में बैठा है वो भी भर सकता है फॉर्म,
लेकिन इसका एक मैं बता रहा हूँ, इनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो फार्म भरेगा उसकी अमानत राशि जमा होगी, हम जब्त कर लेंगे उसकी और कहीं से हम सामान ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। जहां तक इंद्रजीत जी ने बताया कि पेमेंट का जो दिक्कत है, हाँ वो आ सकती है क्योंकि डेली चाहिए मजदूर को, तो मिट्टी वर्दी 3-4 चीजें थोड़ी रखनी चाहिए थी। और दूसरा, ट्रेनिंग कम से कम चलो 2-3 महीने नहीं 15 दिन पहले तो देनी चाहिए थी। नंबर दो कि कनेक्टिविटी नहीं है कहीं, हमारी पूरी भी पंचायत क्षेत्र जो कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम डायरेक्ट हम जुड़ नहीं पाएंगे, तो हम डायरेक्ट किस प्रकार से कर पाएंगे उसको। कई दिन पढ़ाई रहेगा बीच में कि भी कनेक्टिंग नहीं हुआ, कनेक्ट क्योंकि नरेगा में देखते हैं हमारी पेमेंट आती है तो नेट बहुत धीरे चलता है, उस नेट धीरे चलने की वजह से सारा सिस्टम खराब। या तो नेट की कनेक्टिविटी इनको करनी चाहिए थी, सरकार बिना तैयारी के ये काम करी, बाकी काम बहुत अच्छा है, पारदर्शिता होगी। जहां तक इन्होंने बताया BSR रेट की बात है, तो हमारा और PWD का दिन रात का फर्क है, वो बहुत ज्यादा पैसे में उतनी चीज बनाती है, हम उससे आधे भी पैसे में कम में अच्छा काम करते हैं। हमारे जो पंचायत समिति के सरपंचगण है वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक ई पंचायत की बात है, वो तो बहुत अच्छी चीज है, इससे कि पारदर्शिता होगी सबको सामने। पंचायत का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, स्वागत करते हैं आप लोग, लेकिन उसकी जो कुछ खामियां को लेकर आप लोग आशंकित हैं, उनको दूर कर दिया जाए, जानना चाहेंगे। जैसे 251 लगभग ग्राम पंचायत है जिले में, तो अगर हम सिर्फ आपसे अपने जो हनुमानगढ़ पंचायत समिति की बात आप करेंगे, तो कितने ऐसे पंचायतें हैं, अटल सेवा केंद्र हैं, जहां पर ये टेक्नोलॉजी की जो मतलब सुविधाएं हैं उसकी कमी है, कितने ऐसे? सभी पंचायतों में सुविधाएं तो है लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है किसी पर भी। ठीक है, गांव के अंदर नेट की प्रॉब्लम सही कर दे और थोड़े इनको 15 दिन पहले ट्रेनिंग दे दे या प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो इससे समस्या का हल हो सकता है, या जिससे पेमेंट जो करनी है वो तुरंत कर दी जाए तो ये समस्या दूर हो सकती है। अब हम ही लोग ऐसे यहाँ बैठे लोग जानते हैं, वो क्यों नहीं जानते? उच्च अधिकारी जो जहां मर्जी है वो आदेश कर देते हैं वहां से। तो मैं इस सरपंचों की इस बात का तो मैं समर्थन करता हूँ कि इनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन पारदर्शिता भी होगी, ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए अब तो अशोक जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से कल भाजपा के जितने भी सरपंच थे कांग्रेसी सरपंचों के साथ अपनी ही सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और जबरदस्त रोष देखा जा रहा था, तो ये सियासी रिश्ते बदल कैसे गए अचानक? नहीं, हम क्या है कि ग्राम पंचायत में सरपंच के लिए कोई पार्टी अहमियत नहीं रखती है, क्योंकि हम में एकता, सरपंच में एकता होगी तो गांव में विकास होगा। तो हमने इस कदर नहीं सोच के, हमने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का जो जिम्मा उठाया था, तो हमने कलेक्टर साहब के यहाँ प्रदर्शन किया था, तो हमारी बात जयपुर तक पहुंची है, CM साहब के पास और हमारे माननीय मंत्री साहब पंचायती राज राजेंद्र सिंह जी राठौड़, तो उन्होंने हमारी शर्तें, अभी मेरे पास कोई लिखित में तो आया नहीं, लेकिन हमारी शर्तें हैं जो उन्होंने मान ली, या अपने उस मांगों को लेकर विधानसभा में वो अपना सरपंचों का पक्ष रखेंगे। नहीं, जैसे आप लोगों ने अभी धमकी दी हुई है कि अगर ई पंचायत के लेवल पर अगर सरकार ने गंभीरता नहीं बरती तो 1 अप्रैल का आपने अल्टीमेटम दिया है, आपके सरपंचों ने दिया है, तो क्या वाकई तालाबंदी करेंगे आप लोग? देखो, हमें अभी तक तो आश्वासन मिला है कि तालाबंदी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सरकार ने, हमारे मंत्री साहब ने जो कहा है कि 1 तारीख से पहले पहले ये ई टेंडर प्रक्रिया है, जब तक आपको सही तरीके से ज्ञान ना हो तब तक हम इसको बंद रखेंगे, यथावत जो काम सुचारू रूप से चलें उसी तरीके से चलेंगे, लेकिन हम उस 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद में हमारी जो एसोसिएशन है जो निर्णय लेगी, हम उसका उस निर्णय का समर्थन। अभी तक तो कोई अधिकृत रूप से तो कोई जानकारी नहीं आई है, नहीं अभी कुछ। 1 तारीख की क्या प्लानिंग है? अगर मान लीजिए सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी तो क्या करेंगे? फिर हम विरोध करेंगे, ताला लगाएंगे। हाँ, ताला लगाएंगे। चलिए इंद्रजीत जी, इसके लिए क्या तैयारी है आप लोगों के पास? तैयारियां हमारी पूरी है। कौन से कंपनी का ताला खरीदेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो भी बता दीजिए। कंपनी का तो कोई मिल जाएगा, हमारे पंचायतों में ताले हैं जी खूब सारे, शाम को लगाते हैं, वो दिन में लगा देंगे। लेकिन हमारा जो प्रदेश सत्र जो निर्णय लेगा, कल तक शायद वो निर्णय ले लेगा, हमें 1 तारीख को हर हालत में हर सरपंच इसको अटल सेवा केंद्र की चाबी लगाकर संबंधित प्रधान को सौंप देंगे। मनरेगा को लेकर भी खूब सारे सवाल उठते हैं, और मनरेगा चूंकि आपकी सरकार ने एक्ट बनाया था और आप तो समर्थन करते हैं, लेकिन मनरेगा की जो खामियां है सर,
इस बीजेपी सरकार ने मनरेगा को इतना कर दिया है कि आप मानोगे मजबूत कर दिया, मजबूत नहीं कमजोर कर दिया है कि छह छह महीने तक लेबर की पेमेंट, तीन तीन महीने तक लेबर की पेमेंट नहीं आ रही है। मटेरियल की तो आप भूल ही जाओ, मिस्त्री की और लेट की पेमेंट अब छह महीने से आई है। आज एक मेट है या मिस्त्री है उसको तो पैसे शाम को चाहिए, है छह महीने से पेमेंट आती है उसकी। या पूछ लो ये सरपंच साहब है बीजेपी का, इनसे पूछ लो कब तक। बीजेपी वाले सरपंच साहब से पूछ लेते हैं, आप बता दीजिए जिस तरह कह रहे हैं कि छह छह महीने बाद भुगतान होगा। कांग्रेस राज से शुरू हुई थी नरेगा, भाजपा राज में चल रहा है सब कुछ और यथावत चल रहा है, क्योंकि मजदूर को मजदूरी चाहिए और गरीब जो तबका है, जो गरीब मजदूर लोग हैं उनको एक काम एक जगह मिल जाए। तो लेकिन क्या है कि इससे पहले कांग्रेस राज में सबसे ज्यादा कार्य है जैसे कच्चे कार्य होते थे, उसमें क्या है कि सारे घपलेबाजी होती थी सही रूप से उस टाइम से लेके आज तक। और आज जो गवर्नमेंट कर रही है, मोदी सरकार कर रही है कि पक्के कार्य हो, इसके लिए ग्राम पंचायत में शेड निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बन रहे हैं, कहने का मतलब को जो पैसे मिट्टी में जो रुल रहे हैं वो सही रूप में पेमेंट नहीं आ रही ना छह छह महीने तक। नहीं इस देखिए इस कानून का, ये कानून है, ये कोई बिल्कुल ये जो है कोई योजना नहीं है मनरेगा, ये कानून है। और कानून का मकसद सिर्फ इतना है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, और रोजगार जब वो काम करवाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। सवाल यह है कि सरकार यूपी की हो या एनडीए की हो, मनमोहन सिंह की हो या मोदी जी की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी को रोटी चाहिए, अगर वो सुबह मजदूरी करता है तो शाम को उसको रोटी चाहिए। तो ये छह छह महीने देरी क्यों हो रही है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके आप तो पहले भी सरपंच थे, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी आप भाजपा में थे और सरपंच थे, उससे पहले क्या स्थिति थी? नहीं उससे पहले भी ये स्थिति इससे नाजुक स्थिति थी। अच्छा, लेकिन आज जो ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, खाते में जा रही है मजदूर के, इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले जो पैसे आते थे सरपंच के पास आते थे, वो अपनी मर्जी से वो पैसा देता था। लेकिन ऑनलाइन जो आज सिस्टम है, जो नरेगा की पेमेंट आ रही है वो सीधा मजदूर के खाते में जा रही है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है। इससे पहले सीधा पैसा नहीं मिलता था। चलिए कोई नहीं, हम चर्चा और करेंगे चूंकि मनरेगा पे हम लोग चर्चा करते हैं। मनरेगा से आप लोग भी जुड़े हुए, पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं आप। मनरेगा को बेहतर, जैसे अभी अशोक जी बता रहे थे कि कच्चे काम ज्यादा और उसमें घपलेबाजी ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि मनरेगा अजीब कॉन्सेप्ट है जिसमें आप मिट्टी को यहां से लेके और वहां पे रख देते हैं, गड्ढा खोद के गड्ढे को भर देते हैं और आपकी मजदूरी पक्की हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। रोजगार देना है बिल्कुल दीजिए, लेकिन काम ऐसा हो जो ठोस हो, जिससे पंचायत का विकास कम से कम नजर तो आए। तो ये जो मनरेगा में जो इतनी धांधली हुई या होने वाली है या हो रही है, इसका उपयोग सदुपयोग कैसे हो सकता है? बिल्कुल जी, इसका सदुपयोग बहुत अच्छा हो सकता है। जिस टाइम यूपीए की सरकार थी उस टाइम भी मेरी मन की मेरे मन की बात थी, वो मैं कहता था, गांव में भी बात करते थे, पक्के मतलब तीन हिस्से पक्के जो निर्माण कार्यों में सामग्री में लगना चाहिए और एक हिस्सा लेबर का लगना चाहिए, इस तरह की थी। उसके अलावा जो पेमेंट नहीं आने की बात सरपंच साहब बोल रहे थे, अभी भी बहुत सारे जगह ऐसी दिक्कत हो रही है कि मतलब एक मजदूर का पैसा दूसरे के खाते में जा रहा है। कुछ एलडीसी भी मिले हुए हैं, वो अपने अपने बंदों के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं पैसे। घपलेबाजी आज भी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है जी। मैं लखो वाली ग्राम पंचायत की बात करूं तो कम से कम आप जाके उसकी पड़ताल करवा सकते हैं, कम से कम 100 रोजगार के खाते ऐसे जिनके पैसे दूसरों के खातों में। भाई रिकॉर्ड लिस्ट किया है लखवाड़ी में, तो भाई रिकॉर्ड में बता दे सकता हूं। एक बना के देती थी। हां जी, तो जो एलडीसी थे वो अपने हिसाब से मेट उनके साथ मिले हुए हैं, और बहुत एक अभी पिछले दिनों एक जो मस्टोल होता है इनका, तो वो मस्टोल वास्तव में वहां पे काम चल भी नहीं रहा, और उन्होंने 15 दिनों की पेमेंट भी उठवा ली, बाद में उसको बोल दिया रुकवा दी। इस तरह की घपलेबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, इस पे कंट्रोल होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था सही नहीं है। अगर कोई पंचायत समिति लेवल से कोई अधिकारी वगैरह जाता है तो पहले मेटों को सूचना हो जाती है, वो बंदे लेके आ जाते हैं। तो उसके अलावा मतलब एक देखना चाहिए, उसको चिन्हित करना चाहिए कौन से आदमी काम कर सकते हैं कौन नहीं। जो अच्छे परिवारों से जो ठीक ठाक हैं उनके लिए मतलब एक एक जैसे गरीबी रेखा से नीचे या फिर इसके एक लेवल तय होना चाहिए, उसके नीचे वाले मजदूरी किसको दी जाए, किसको दी जाए, वो जरूरी होना चाहिए। अब बहुत सारे जो संपन्न परिवार हैं उनके कार्ड होते हैं, वो जो मेट आधे
आधे आप रख लेना आधे हम रख लेंगे, उस हिसाब से वो कार्ड चल रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए, उसके दुरुपयोग हो रहा है उससे पैसे का। चलिए अशोक जी, जैसे ये आप बता रहे थे कि पहले तो धांधली होती थी और अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो अब अकाउंट में पैसा, अब ये कह रहे हैं कि आपके सामने आपके साथी बता रहे हैं, पंचायत समिति के डायरेक्टर, इसका मैं रिकॉर्ड भी दूंगा अगर मांगा जाए, इस तरह के मामले आ रहे हैं। और अभी तो सरकार बिल्कुल आपकी है, तो घपलेबाजी तो आज भी हो रही है ना, फिर रुका क्या, बदलाव क्या हुआ? फिर बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है, कुछ अपने कह सकते हैं कि 5%, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, कई बार क्या है कि खाते मतलब बैंकों में जाते हैं तो बैंकों में ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए सरपंच है, सेक्रेटरी है, ऊपर जांच करे, बैठ के एकजुट होके अपनी प्रक्रिया को सही रूप से, और अगर कोई गलत खाते में चले ही जाते हैं तो हम प्रयास करते हैं व्यक्तिगत रूप से कि वो पैसा सही बंदे को पहुंच जाए। तो ये नहीं है कि बिल्कुल कोई उसमें घपलाबाजी हो रही है। चलिए सुनीता, आप बताइए कि मनरेगा का जो बजट है, इसका जो सदुपयोग के लिए क्या सुझाव देते हैं आप? देखो, सदुपयोग के लिए मैं यही कहूंगी कि पक्के काम है जो, वो ठीक है, करवाएं मनरेगा से, लेकिन 180 रुपए में आज अगर देखें तो 300 रुपए मजदूरी मिलती है, तो वो मजदूरी कम है उनके लिए। और जैसे फर्जीवाड़े की बात आती है तो वो आज भी हो रही है, अगर पक्के कामों में लगाए जाते हैं तो कई ऐसे हैं वहां मजदूर लगा लेते हैं अपने, और जो कार्ड है वो ऑनलाइन चढ़ा देते हैं, और वहां जो नरेगा के मजदूर हैं वो नहीं जाते, उनके ऑनलाइन खातों में पैसे आ जाते हैं। जैसे अशोक जी बता रहे थे अभी कि बैंकों में भी हो जाता है अक्सर कि पेमेंट एक खाते से दूसरे खाते में चल जाती है, तो अगर अपने बात करें कि अपने नॉर्मल खाते होते हैं तो उनमें तो नहीं पेमेंट एक दूसरे की ट्रांसफर होती, वो तो नहीं होती, ये नरेगा वाली पेमेंट क्यों होती है एक दूसरे के खाते में ट्रांसफर? इसका जवाब पंचायत समिति के प्रधान जी देंगे, जयदेव विटासरा जी, कि इस तरह की घपलेबाजी हो रही है और आपकी पंचायत समिति में हो रही है और आप मुखिया हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं निवेदन करूं आपसे कि मनरेगा की जो योजना थी माननीय सोनिया गांधी मनमोहन सिंह जी सरकार ने शुरू की, एक सपना था कि गरीब को शाम को भोजन मिले, और उस सपने में हमारी पार्टी कामयाब रही, और उसी का नतीजा कि था कि हम दोबारा UP 2 बनाए, लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और फिर 44 पे भी आ गए। हाँ, वो तो चलो 10 साल थे, एंटी इनकम्बेंसी होती है, खास बात नहीं, उन लोगों ने सोचा कि मोदी जी की आपता क्या दे देंगे, लेकिन आप विषय से नहीं भटकेंगे, तो उसमें ऐसी कुछ बात नहीं है, कुछ गलती से दूर चला जाता है, बाकी मॉनिटरिंग भी रखते हैं, हो सकता है छोटी मोटी हो जाए। बाकी अशोक जी ने कहा था कि मैं पहले उस घपले का हिस्सा रहा हूँ, अशोक जी ने इस बात स्वीकार की है कि मैं पहले सरपंच था और उस घपले का हिस्सेदार रहा हूँ। तो खुले ऐसा कुछ नहीं है, इनकी बात कह रहा हूँ मैं, तो मैंने तो नहीं कहा ऐसा, इन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मोटा होता है, उसकी हम जाँच भी करवाते हैं, साफ मेटों को ब्लैकलिस्ट किया हमने, हमें टीक बना के भेजते हैं यहाँ से, लेकिन कुछ हमारे राजनेता जो उनसे पद वाले वो फोन वोन कर देते हैं उनको, चलो छोटा मोटा हो जाता है। अच्छा, वो सब होता है, सब कुछ हो रहा है, हो रहा है, लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं है। और इसको किस तरह के नेता है आपकी पार्टी के नेता? हमारे पार्टी, हमारे तो बात कौन सुनता है? अच्छा, हमारे तो सरकार ही नहीं है। आप किसकी सुनते हैं? किसकी सुनते हैं? हम जनता की सुनते हैं, और बड़े लीडर की बात नहीं, हम प्रयास करते हैं, हमारी जनता के सुख दुख में रोजाना हाजिर रहता हूँ, आपने सारे प्रोग्राम भी मेरे देखे हैं, जिनके भी तकलीफ होती है मैं वहाँ पहुँचता हूँ जरूर। चलिए, मनरेगा का जो ये पैसा है ना, और जैसे मोदी जी ने भी लोकसभा में खूब भाषण किया था और सभाओं में भी उन्होंने खूब कहा कि ये तो बिल्कुल ऐसा है कि ये हो, लेकिन बाद में उन्होंने बजट बढ़ा भी दिया और कहते मैं इसको जिंदा रखूंगा कांग्रेस के पतन की कहानी को दर्शाने के लिए, तो कुल मिला के वो मन से इसके साथ नहीं है, लेकिन कहते मैं तो पैसा भी दूंगा। और ऐसे अब सवाल है, जैसे अभी सुनीता बता रही है कि 180 रुपये मजदूरी है, और वो मतलब इनका इशारा साफ है कि अगर आप कोई ऐसा आराम से बिठा के उसको 180 रुपए दे देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई काम करवाते हैं जैसे पक्के निर्माण के काम करवाते हैं तो मजदूरी बढ़ जानी चाहिए। तो ये जो दो तरफा नीति है कैसे चले मनरेगा? नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस के टाइम में कच्चे काम बहुत ज्यादा स्टार्टिंग था वहाँ उस टाइम, तो हाँ वो शुरुआत का दौर, शुरुआत का दौर, रास्ते साफ किए, खड़ों को सही किया, अब उन कच्चे कामों की आवश्यकता नहीं है, अब पक्के काम होने चाहिए और मजदूरी भी बढ़नी चाहिए, बाजार दर बाजार उसकी मजदूरी बढ़नी चाहिए, मजदूरी बहुत कम है इसमें से, कुछ 180 रुपए में पूरा आता ही नहीं उनको, ठीक है 100 रुपए आ जाते हैं, 100-125 जोर मार्क, लेकिन पूरा नहीं आना, मेरा 300 रुपए होना चाहिए, दूसरा
कैटेगरी के बारे से लिख रहे थे, इस प्रकार की कैटेगरी भी तय होनी चाहिए कौन मजदूरी करेगा कौन नहीं। अब तो सभी के कार्ड, जितना मेरा भी बनावा कार्ड, सब मैं भी जॉब कार्ड बनवा सकता हूँ, मैं भी उसमें जा सकता हूँ, हालांकि मेरे पास साधन संपन्न कुछ भी है। और जैसे इस प्रकार से पात्रता नहीं है इसमें, तो ये हमारी राय है, क्योंकि जब कानून लाया जाता है उस टाइम स्थिति अलग होती है। संशोधन की अब आवश्यकता है, अब पक्के काम होने चाहिए, संशोधन की आवश्यकता है और थोड़ी मॉनिटरिंग होनी चाहिए इसमें। नहीं तो आपने पंचायत समिति अनुमान करके आप लोगों ने कभी कोई प्रस्ताव भिजवाया है क्या कि इस तरह के संशोधन की दरकार है? हाँ। आप लोग अपना काम करेंगे, ग्राउंड लेवल पर तो आप लोग ही बता सकते हैं, सरकार को तो पता नहीं है। हाँ। अब मोदी जी को कोई कहे या जो मंत्री बाकी किसी भी सरकार के उनको पूछ गए इस तरह की जमीनी हकीकत ये है, उनको तो पता नहीं है, वो तो पंचायत समिति, आप हनुमानगढ़ है, पीलीबंगा है या पूरे देश के जो पंचायत समितियां हैं वो अगर प्रस्ताव पारित करके भेजे ऊपर, और जब खूब सारे हजार दो हजार पंचायत समिति के जब आ जाए तो उनको लगेगा हाँ वाकई इस तरह की। आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है, अब की बार इसी मीटिंग में हम तय करेंगे सारे, क्योंकि मैं प्रधान का प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। ठीक है, तो प्रदेश भर में आप करवा सकते हैं, प्रदेश भर के अंदर मैं आपकी बात का मैं स्वागत करता हूं, और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, इसको अभी अगली मीटिंग में हम 10-15 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, तो कम से कम 300 और ज्यादा ज्यादा पक्के काम। हाँ जी, जी ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि ग्राम पंचायत है, प्रधान जी आपसे हम सुनेंगे फिर कि पंचायत, ग्राम पंचायत कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा तो नहीं होता, एक गाँव होते हैं, बहुत बड़ा गाँव है तो एक गाँव ही, वो भी दो भागों में बांट देते हैं आबादी के हिसाब से, लेकिन एक गांव की कितनी आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकता, विकास की बात करें, सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा के लिए कोई हॉस्पिटल है, मतलब कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है सामुदायिक, तो ये जो तमाम जो कार्य है, जो मूलभूत सुविधाओं में है, इनके रेखांकित करके अगर एक सरपंच चाहे, पंचायत समिति चाहे, तो मुझे लगता है 5 साल में एक गाँव बहुत ही बेहतरीन सुविधा देने वाला गाँव हो सकता है। लेकिन पैसे का जो है ना दुरुपयोग होता है, सत्ता बदलती रहती है, पैसे का दुरुपयोग भी वैसे के वैसे रह जाता है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है क्या आप लोगों के पास? मैं एक निवेदन करूं, जब से मैं प्रधान बना हूं और मेरे साथ ही सरपंच डायरेक्टर साहब है, तब से हमारे सभी ग्राम पंचायतों के अंदर आप जाके देखो, सुंदर सुंदर नालियां, सड़कें बनी है, और काफी अच्छा काम हो रहा है, और हम चिन्हित कर रहे हैं एक गली को दोबारा नहीं बना रहे, ठीक है, जो नहीं बनी उसको बनवा रहे सही, और ब्लॉक्स लगवा रहे हैं, और उन ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास मशीन भी है, उससे हम टेस्ट करते हैं उनका कितनी स्ट्रेंथ लेती है कितनी नहीं, तो काफी हमने सुधार किया इसमें। अब की बार नए सड़क, जैसे आप नई सड़क बनवाते हैं तो उसकी सीमा कितनी है, तो उसकी उम्र कितनी है? उम्र काफी चलेगी वो, कम से कम मैं इनसे ज्यादा 10-15 साल की मैं मानता हूँ, 15 साल कम से कम। एक सड़क आप एक कार्यकाल में अगर बना देते हैं तो निश्चित रूप से दो कार्यकाल में तो बनाने की जरूरत नहीं है, गाँव में सड़कें होती, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा चलेगी, इससे पीडब्ल्यूडी से हम अच्छा काम करते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और आप चेक भी कर लो उसे कहीं जाके, उनसे आधे बजट से कम में, क्या वो उसमें सरकार ध्यान नहीं दे रही? क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक अलग महकमा है गवर्नमेंट में, ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। सरपंच हमारे साथ हैं इसलिए हम आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा इससे व्यवस्था होना पड़ता है। अशोक जी आप बताएं, क्योंकि आप पहले भी सरपंच थे, जैसे मेरा सवाल ये है कि एक कार्यकाल में एक गाँव को आप आदर्श गाँव क्यों नहीं बना सकते, कहाँ दिक्कत आती है इसमें? सबसे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट में, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दीजिए एक बार, एक व्यवस्था की बात, कहां दिक्कत कहां आती है? दिक्कत तो कहीं नहीं आती, दिक्कत तो पैसे, एक गांव में कितनी सड़कें होती हैं आमतौर पर? इससे पहले पूरा अपना मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा, हाँ बता दीजिए, व्यक्तिगत मानो चाहे पार्टी भी मानो, लेकिन इससे पहले जो भी पार्टी रही है, कांग्रेस रही है, तो इससे पहले क्या होता था कि उस टाइम गांव में नालियां नहीं बनती थी, ठीक है, और उस टाइम सबसे ज्यादा घपले उस टाइम होते थे, क्योंकि सारा पैसा जो पंचायत राज विभाग का जो पैसा था वो सिर्फ मिट्टी भर्ती में ही उठा लेते थे, क्योंकि जहां चाहे समतल है चाहे टेढ़ी मेढ़ी जो भी है, तो वहां सीधा खड़ंजा लगा दिया और मिट्टी भर्ती का सारा पैसा अपने जेब में डाल लिया। और जो अब गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट में जो कार्य हो रहे हैं, जो वो हर गांव में, पूरे हिंदुस्तान में हर गांव में आप देख सकते हो, इससे पहले इतनी आपने भी उम्र ली है, प्रधान जी ने भी ली है, मेरी उम्र इनसे काफी छोटी है, मैं 20 में बोलना चाहूंगा, एक बार इनको सुन लेते हैं पहले, पर क्या है कि आज जो सड़क बन गई, जो आज किसी गांव में बनी है उसकी लाइफ लाइफ है, और पहले जो काम होते थे हर 5 साल में हर सरपंच बार बार वही बनाते रहते थे,
लेकिन अब पैसा सुचारू रूप से सही जगह लग रहा है, जैसे नालियां बन रही है तो साइडों में भर्ती भी हो रही है, भर्ती करनी पड़ेगी, भर्ती के बाद में वो खड़ौंजा चाहे एसीसी ब्लॉक लगे खड़ौंजा लगे ठीक, ये तो उसकी लाइफ होगी। सड़क के अलावा और बताइए, तो अगर ये सड़कें नालियां बनगी तो गांव साफ सुथरा होगा और स्वच्छ भारत का जो सपना है वो साकार होगा। चलिए इंद्रजीत जी आप बता दीजिए, अशोक जी बता रहे हैं कि पहले तो घपला होता था, आजकल सदुपयोग होने लगा है, पक्का काम कर रहे हैं, ये कितना बदलाव हुआ है? आप बदलाव हुआ है जो नालियां हैं, मेन तो प्रॉब्लम गांव में नालियों की, ठीक है नाली बनाए पर वहां पानी निकासी की प्रॉब्लम आती है। अब एक जगह तो गांव में टिब्बे पर है, ऊंचाई पर है और एक बजे नीचे है। अब यार नीचे वाली साइड से उस साइड में पानी लेके जाएंगे तो इधर 4 फुट भर्ती करनी पड़ेगी, 4 फुट भर्ती करेंगे तो साइड वाले घर तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम गांव में बहुत है, गांव ये तो है नहीं कि समतल में बसा हुआ है, गांव कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है और पानी की निकासी जहां जोड़ पर करते हैं हम, तो जोड़कर वहां का लेवल लेते हैं तो कई जगह तो 4-4 फुट की भर्ती होती है। मानता हूँ ये काम बढ़िया है, नाली का हो रहा है, मैंने भी बनाई है अभी तक रणजीतपुरा में करीबन 60% नालियां मैंने बना चुका हूँ, नालियां और ब्लॉक की, जहाँ गांव में बरसात के टाइम आप निकल नहीं सकते थे उन गाँव में किंचड़ था और अब बहुत बढ़िया नालियां। आप प्रधान जी क्या कह रहे थे? आप मैं ये कह रहा था जैसे अशोक जी ने आरोप लगाया कि पीछे घपले होते थे, ऐसा कुछ नहीं था, पीछे इतनी मिट्टी भर्ती कभी नहीं होती थी। जैसे सड़क बन रही है उस पे खड़बंजा लगता था, पहले उस खड़बंजा लगा दिया जाता था सीधा, आज भी वो खड़बंजे वैसे के वैसे, आप ईंट निकाल के देखो इतनी अच्छी ईंटें लगी हुई थी, घपला कुछ नहीं था किसी प्रकार। हरेक सरकार आती है, युग अलग आता है, परिवर्तन की बात आती है, जो परिवर्तन है उसका आज एक परिवर्तन है, ये काम करने का अलग तरीका है। ईंटें और ईंटें जमीन के नीचे दबी हुई है, दबी नहीं वो, क्योंकि लेवल धीरे धीरे लेवल, आप एक 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 मिनट रुको, आप अपने शहर के अंदर अपने देखते हैं सर, ये सड़क आपने जब ऑफिस बनाया सड़क कितनी नीचे थी, आज कितनी ऊंची आ गई, धीरे धीरे आएगी वो, इसी ये स्थिति वो गांव में है। पहले बड़ी सुंदर सड़कें अच्छी चीजें बनी थी। मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा, सड़कों के अलावा जो पैसा है हमें स्कूल की बिल्डिंग में लगाने का देना चाहिए इनको, ठीक है, जिससे कि शिक्षा होगी, शिक्षा ज्यादा उन्नति होगी। अभी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, शिक्षा से उन्नति होगी तो सड़क अपने आप बन जाएगी, शिक्षा क्यों सड़क कई स्कूल जर्जर हालत में हो गए। अभी बजट का इस्तेमाल आप किन-किन कार्यों में कर सकते हैं? हम सड़कों में कर सकते हैं, पानी के लिए नालियों के लिए कर सकते हैं, लैट्रिन बाथरूम बढ़ा सकते हैं, रोशनी के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें स्कूल के अंदर जो पैसा लगाने में थोड़ी हमारी दिक्कत है। तो जैसे जर्जर है स्कूल की जरूरत, तो प्राइमरी स्कूल में पानी पीने के लिए हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाले वगैरह 8% भराया जाता है जमींदार से, मनरेगा में वो तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो पहले के शोक जिन जो आरोप लगाए बिल्कुल निराधार है, ये तो राजनीतिक आरोप है, मैं नहीं लगाता, मैंने अच्छे काम को अच्छा बताया, अच्छे काम को अच्छा बताया। जी आप क्या कह रहे हैं? जो घपलेबाजी की बात हो रही थी वो सरपंच लेवल का काम होता है, उसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जो सरपंच साहब बता रहे थे, सरपंच कोई अकेला जिम्मेवार थोड़ी है, सरपंच जिम्मेवार है, इनको अनुभव है, सरपंच अकेला जिम्मेवार नहीं है। मिट्टी भर्ती की बात कर रहे थे ये, तो उसमें क्या वो सरपंच के ऊपर है? सरपंच अपने के लिए कुछ हिस्सा रखे वो अलग बात है, सरकार कोई हिस्सा नहीं होता गोपाल जी, मैं ऊपर तक गलत बात है, ऊपर तक कोई पैसा नहीं जाता यहां से, कोई कोई पैसा नहीं जाता, ना कोई यहां पंचायती राज में कोई कमीशन पर था और कुछ भी नहीं है। उसमें पार्टीबाजी की कोई बात नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी, हम खुद घर से पैसा लगाते हैं। मेरा कहने का मतलब आप मानोगे नहीं, साल में 3-4 कैंप होते हैं, कभी राय रेवेन्यू कैंप आ गया, कभी क्या आ गया, और एक सरपंच के कम से कम 20-25 हजार रुपए लगते हैं, क्योंकि वो 100 ऑफिसर जाते हैं वहाँ, खाने की पीने की सब व्यवस्था होती है, लेकिन वो सरपंच अपने घर से लगाता है, कोई सरपंच कमीशन खोर में नहीं है, न कोई ऊपर पैसा देता है। चलिए आप लोग अधिकारों की बात करते हैं कि आमतौर पर हमने कई बार देखा है कि जो सरपंच हैं या जिला परिषद के पंचायत समिति के सदस्य हैं, डायरेक्टर हैं, ये जितने भी हैं सभी अधिकारों की बात करते हैं, कहते हैं अधिकार बहुत कम है सरपंचों के, हालांकि सरपंच के सबसे पावरफुल है, किस तरह के अधिकार चाहते हैं? आज की डेट में सरपंच के पास कोई भी ऐसा कोई सरपंच नहीं कह सकता मेरे पर कोई अधिकार नहीं है। टोटल ग्राम पंचायत का वो मुखिया होता है और कार्यकारी वो वहाँ आपके अध्यक्ष भी होता है हर तरीके से, तो सरपंच के पास बहुत पावर है। मानते हैं हम हमारे डायरेक्टर भाइयों के पास नहीं है, वो सिर्फ वोट होता है उसी दिन उनकी पावर होती है, उसके बाद में उनका कोई नहीं है। और सरपंच पावरफुल है, प्रधानमंत्री है ग्राम पंचायत का, प्रधान जो चाहेगा ना वो सरपंच कर सकता है, गांव में जो व्यवस्था करनी चाह सकता है तो वो कर सकता है, पानी की, लाइट की, या सड़क की, किसी भी हर चाहे वो कर सकता है। मानदेय के लिए फिर क्यों इतना मानदेय? तो देखो 3500 रुपए एक सरपंच, नरेगा श्रमिक तो
ले रहा है 180 रुपए और एक सरपंच ले रहा है 110 रुपए। कभी आप लोगों ने प्रस्ताव भिजवाया सरकार? प्रस्ताव नहीं, हमारी मांग जब मंजूर की थी उन्होंने तो हमारे 9000 पर सहमति भी होगी थी, और अभी तक तो हमें दिया। कौन सी सरकार थी? यही सरकार। अच्छा, यही सरकार। पिछले साल हम जहाँ धरना दिया था ना प्रदेश सत्र, अशोक जी की सरकार। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? आज जैसे सियासी रिश्ते आप लोगों के मधुर हो गए हैं, कांग्रेस और भाजपा एक साथ है, तो इस मांग को लेकर भी सियासी रिश्ते मजबूत होने वाले हैं क्या? देखो, इससे पहले सरपंच को 500 रुपए मिलता था, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ये हमारी मांग भी है। गहलोत साहब ने किया था, इम्प्रूवमेंट होता ही है। जब एमएलए की बढ़ती है, एमपी की बढ़ती है, क्योंकि वहां तो पारित सदन में हो जाता है प्रस्ताव, लेकिन हमारा प्रस्ताव पारित कहाँ होगा? करना तो सरकार को है। हाँ, करना सरकार को है, लेकिन हमारी ये भी मांग है कि कुछ भत्ता बढ़ाया जाए, जिससे जो ग्राम पंचायत में जो और भी कार्य होते हैं, जो पंचायत के अलावा भी करवाने होते हैं, तो उसमें कुछ पैसा ग्राम पंचायत में लगाया जाए, इससे कुछ ढंग से ठीक है। चलिए वारिस जी, अभी सरपंचों की बात आई, सरपंच पावरफुल हैं, मानदेय भी मिल रहा है। डायरेक्टर की बात करें तो वास्तव में ये लोग ही मानते हैं कि कहीं ना कहीं उपेक्षित है, दायित्व तो बड़ा है, क्षेत्र बड़ा है, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। क्या डिमांड करते हैं आप लोग, किस तरह का अधिकार बढ़ाने की बात करते हैं? बिल्कुल जी, आजकल जो पंचायत समिति सदस्य का काम इतना ही रह गया है, वोट देके प्रधान बना दिया और मीटिंगों में आ गए। इसमें 300 लगभग एक मीटिंग के मिलते हैं। अगर कोई गाड़ी लेके आता है तो उसका 1000 रुपए 500-700 का डीजल भी खपत हो जाता है। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ उसका बजट भी होना चाहिए पंचायत समिति सदस्य का। जो पंचायत समिति मद से जो काफी पैसा आता है हम सरपंचों को देते हैं, तो पंचायत समिति सदस्य डायरेक्ट लगा सके वो भी होना चाहिए, और मानदेय भी सरपंचों के बराबर होना चाहिए। व्यवहार में पंचायत समिति सदस्य की सीट जो क्षेत्राधिकार होता है सरपंच से बड़ा होता है, लेकिन उसका अभी ना तो कोई कोटा पंचायत समिति से और ना ही उसका मानदेय, तो इस पर विचार होना चाहिए। इसके लिए पिछले दिनों अभी गठन हुआ था जिला कार्यकारिणी का, और प्रदेश लेवल पर भी अभी गठन हुआ था, लेकिन आगे बात नहीं बढ़ सकी, वहीं पे ठप होगी। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, जयपुर भी जाएंगे, दोबारा गठन करेंगे कार्यकारिणी का। चलिए सुनीता जी, आप क्या कह रही हैं? देखो, अपने अधिकार बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयासों की जरूरत है आप लोगों को? हमारा पंचायत समिति डायरेक्टर का मानदेय भी होना चाहिए, और जैसे जो पंचायत समिति में बजट आता है, जैसे अब डायरेक्ट सरपंच को दे दिया जाता है, वो डायरेक्ट पंचायत समिति सदस्य को दिया जाए, तो जिससे पंचायत समिति सदस्य भी अपना क्षेत्र में विकास करा सके। कोटा होना चाहिए। हाँ जी, अब सिर्फ एक मोर पे रह गए हैं कि हाँ किसी का साइन करने है, मोर लगानी है, वो कर सकते हैं, ना कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। चलिए आप बताइए प्रधान जी, इस तरह की जो दुविधाएं सामने आ रही हैं, तो ठीक है, इसके लिए क्या है कि पंचायती राज जो अधिनियम है उसमें संशोधन की दरकार पड़ेगी, और लेकिन वो दरकार तब होगी जब उस मुद्दे को तरीके से वहां पर रखा जाएगा। तो किस तरह के प्रयासों की जरूरत है अब पंचायती राज को, ताकि प्रधान बनते ही पहले सबसे पहले सरपंच साहब से मीटिंग में प्रेम प्यार से निवेदन किया कि इनका नाम हर एक डायरेक्टर का पट्टिका पर होना चाहिए, और इनको मीटिंग में बुलाया जाए, इनका मान सम्मान किया जाए। ये तो हमारे क्षेत्र की व्यवहारिक बात थी, लेकिन जहाँ तक सरकार का डायरेक्टर के पास कुछ नहीं है, हम भी वोट मांगने गए थे, अगर मैं आज प्रधान नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, डायरेक्टर होता सीधा। तो हम वोट मांगने जाते हैं तो लोगों की आशा होती है आप हमारा ये काम कराओगे, हमारा फलाना काम कराओगे, हमारा ये कराओगे। सरपंच तो कार्यालय अधीक्षक होता है, एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर एक पोस्ट ऐसी है जो कार्यालय अधीक्षक है, क्योंकि इनके आदेश से सारे काम होते हैं, बाकी कोई कार्यालय अधीक्षक नहीं है। और डायरेक्टर के पास जिम्मेवारियां बहुत होती है, दो पंचायतें उसके पास कम से कम होती है, दो पंचायत होने के बावजूद भी वो पावरलेस है बिल्कुल। तो इस पंचायती राज की सबसे बड़ी खामी ये बनाती है, गठन करते हुए त्रिस्तरीय किया गया था इसको, इस गठन में ही खामी रही है शुरू में, लेकिन अब जैसे सुधार आना चाहिए, हमारी मांग है इन मानदेय सरपंच से भी ज्यादा होना चाहिए इनका। आपकी सरकार ने, यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने गलती की, और मोदी सरकार को सुधार करना चाहिए। कुल मिलाकर गलती नहीं रही, एक कानून बना उसके धीरे धीरे आपको पता चलता है उस चीज की क्या क्या खामी है। ये गलती अपने नहीं कह सकते, जब व्यवस्था की तो बहुत अच्छी लगी सभी को, बात भी अच्छी थी, क्योंकि डायरेक्टर का डायरेक्ट प्रधान चुनना, और जैसे ये हमारे काफी सक्रिय है, हमारी पंचायत समिति के अंदर हमारे डायरेक्टर उपेक्षित नहीं है, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि सभी को साथ लेकर हम चलते हैं, सभी के राय से सारे काम करते हैं, हम अकेला कोई काम नहीं करता यहाँ पर, और सभी अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। बाकी सरपंच साहब से मेरा भी निवेदन पहले ही था, आज भी है, कि इनको बराबर लेके चले, और मेरा गवर्नमेंट से निवेदन है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए सभी का, हमारा भी बढ़ाया जाए। चलिए, आपका भी बढ़ाया जाए।
चलिए, तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश जिसमें हमने बात की है कि जो ई पंचायत का जो एक प्रक्रिया है, उसका तरीका है, उस पर खूब सारे सवाल उठ रहे हैं। सरपंच हो या डायरेक्टर या प्रधान, सभी इस प्रक्रिया का स्वागत करते हैं, इस योजना का स्वागत करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इसकी जो कुछ खामियां है वो पहले दुरुस्त कर ली जाए। तो सारी तमाम सुविधाएं हैं ई पंचायत को कारगर बनाने में, उसको पहले सुविधाएं पूरी कर लें, इसके बाद आप इस प्रक्रिया को जारी रखें, वरना 1 अप्रैल को जो तालाबंदी का जो इनका फैसला है वो बरकरार रहेगा। चलिए, आप लोग इस कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।